श्री कृष्ण के बड़े भाई। तो लगभग ये जो है 225 साल पुराना मंदिर है, जो इसका लेख उससे पहले का तो पता नहीं कितना ना रहा होगा। तो यहाँ पे जो है किसी अंग्रेज का लिखा हुआ पत्थर पे है। हाँ, तो ये जो है मंदिर 225 साल पुराना है इस समय जो है। तो स्वयं प्रभु जो आप भी जो मूर्ति है बलराम जी की, वो बीच वाली मूर्ति है, बीच वाली है। तो इसे किसी अंग्रेज ने जो है खंडित कर दी थी मूर्ति को जो है। तो अंग्रेज तो अंग्रेज ही थे। हुआ ये था कि जैसे जो है गाँव उस समय जो है लोग जो है पशुपालन का ज्यादा था लोगों का। अब लोकल लोग आए होंगे कि पहले अपने भगवान जी को जो है इनका जो भोग है वो है माखन दूध और हलवा, खरेगी का हलवा। तो अब वो चला रहे हुए लोगों ने माने अंग्रेज, तो अंग्रेज से उन्होंने कहा जी पहले मुझे दो ना, पहले मैं अपने देवताओं दे। तो उन्होंने गुस्से में जो है मूर्ति को खंडित कर दिया था। तो बताते हैं कि कभी पूर्वज जो रहे होंगे तो इनके जो बाजे थे ढोल बाजा जो है वो रात को अपना भी बजने लगे घर पे गाँव में नीचे। तो तब आए थे दादाजी ने जो उन्होंने देखा कि ये जो है मूर्ति खंडित की हुई है। उनके दो बेटे थे मसूरी में, आज भी टूटा कोटी के नाम से वो जगह है। वो दोनों बच्चे जो है गर्मी का मौसम था, थोड़ा सा बादल हुआ, बिजली पड़ी, दोनों खत्म हो गए थे। वो अंग्रेज भी वापस आते थे, मेले का जो ग्राउंड इससे नीचे खत्म हो गए थे। फिर मैडम आई थी, अंग्रेज दिमाग तेज तो थी, उनके साथ में ड्राइवर जो है वो मोमन था, उन्होंने जो है उनका भी लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है पत्थर पे। तो उस समय से है इस मंदिर का। बलराम जी हैं बहुत शांत स्वरूप है, बहुत ज़्यादा जो है पहले तो मंदिर छोटा था, अभी तो चल ही रहा है कंस्ट्रक्शन वगैरह सब, उस प्रभु की माया बहुत साक्षात है।